15 अगस्त को पूरा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस बार का आजादी का पर्व कई मायनों में खास होगा। सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया है। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल और भिवानी के उपायुक्त नरेश नारवाल ने अमृत वाटिका के तहत पौधारोपण किया। कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। आज लोहारू हल्के के हमारे जो प्रमुख गांव है सुहासड़ा के अंदर मेरी माटी मेरा देश ऐसे करके जो कार्यक्रम हुआ, जो ज्ञात अज्ञात शहीदों ने बलिदान दिया था, उनके यहाँ से मिट्टी ले करके इस मिट्टी को इकट्ठी करके शहीद स्मारक दिल्ली लेके जाना है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि हमने कार्यक्रम किया। इसके अलावा जन संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल और उपायुक्त नरेश नारवाल ने 100 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। जन संवाद में लोगों ने पेंशन, राशन कार्ड कटने, रास्ता बनवाने, चकबंदी जैसी समस्याएं कृषि मंत्री के सामने रखी गई, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। हमने यहाँ जन संवाद भी किया कि जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, सारे जिला प्रशासन आकर के उनका एक एक केस लेकर के सुनवाई करके समाधान कर रहे हैं। और लोकतंत्र में हम बार बार कहते हैं कि हम सेवक हैं, जनता मालिक है, जनता की जो भी चीज हमारे पास आती है उसका समाधान हम करते रहते हैं। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बाजरे में अमेरिकन सुंडी के प्रकोप के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मैंने अधिकारियों को बोला है कि इसके लिए कोई तुरंत जो पेस्टिसाइड वगैरह का इंतजाम करके और स्कीम बना करके किसानों तक पहुँचाएं, ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। काबिले गौर है कि प्रधानमंत्री के आह्वान से देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना और अधिक विकसित हो सके। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।